हेलो फ्रेंड्स, मेड इंडिया के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि बैंक ऑफ इंडिया की जो कि वैकेंसी जो कि निकली हुई है, जिसके फॉर्म जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। इस फॉर्म में जो कि आपको जो कि चार चीज़ें आपको अपलोड करनी है, एक आपका फोटो और एक आपका सिग्नेचर और एक आपका लेफ्ट थंब और जो कि आपका एक डिक्लेरेशन, आपको ये चार चीज़ें जो कि आपको अपलोड करना है इस फॉर्म के अंदर। इसमें किस प्रकार से आपको ये अपलोड करना है, किस प्रकार से इसकी रिसाइजिंग करनी है, इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम उसके पहले नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं क्या वो रिसाइजिंग हमें किस प्रकार की हमें करनी है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि रिक्वायरमेंट का जो कि नोटिफिकेशन है। इसके अंदर हम नीचे आते हैं, नीचे जब हम पेज नंबर 16 पर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ हमें गाइडलाइन दी है स्कैनिंग डॉक्यूमेंट अपलोडेड का। तो यहाँ पे हमें सभी की गाइडलाइन दी, जैसे फोटोग्राफ जो अपलोड करेंगे आप 4x5 cm x 3.5 cm की जो कि फोटोग्राफ आप रिसेंटली, यहाँ लिखा हुआ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कलर पिक्चर लगाएंगे, मेक श्योर पिक्चर कलर होनी चाहिए और जो कि लाइट कलर या प्रिफर करेंगे या वाइट बैकग्राउंड का इनका प्रिफर कर रहे हैं, मतलब बैग पैसे का मतलब हल्का रंग होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड वाइट को ही मैंने प्रिफर किया गया है। लोकेशन स्ट्रेंथ कैमरा ऑफ रिलैक्स फेस, मतलब आपको रिलैक्स मोड में ऑफ कैमरे के सामने आपको फेस दिखाना है। उसका पिक्चर ऑफ टेकन ऑफ सनी संडे एंड बिहाइंड द अदर यू वेयर शेडो शेडो, किस प्रकार का शेडो वेडो कुछ नहीं आना चाहिए, सब इसमें दिखाई नो हर शेड नो मतलब ये आना चाहिए। और ज़्यादा यूज फ्लैश एंड इंश्योर नो रेड आई, मतलब फ्लैश भी आना चाहिए जिससे आपकी आंखें रेड आई हो, कोई फ्लैश वगैरह वो नहीं होना चाहिए। ग्लास में क्या और शोर दे रिफ्लेक्टेड ऑफ आई ऑन बिकॉज यहाँ क्लियरली स्किन जो कि आपका कांच पे जो कि आपका रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। कैमरे का फ्लैक्स वो भी नहीं दिखाया गया, ग्लास डार्क ग्लास वो भी आपको एब्सोल्यूट नहीं होगा। रीजनल हैंडवेयर अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, डायमेंशन 20x30 cm पिक्सल की होनी चाहिए और जो साइज होगी वो ध्यान रखनी है 20 से 50 के बीच आपको इसमें रखनी है, साइज के ऊपर रखनी है। इंश्योर द साइज स्कैन 20x50 के बी के बीच में होनी चाहिए, मतलब 20 से 50 के बीच से अधिक भी नहीं होना चाहिए, इसके बाद ये अपलोड नहीं होगा। नहीं तो उसके बाद कर लेते हैं आप अपने सिग्नेचर की, सिग्नेचर जो कि आप अपलोड करेंगे इसमें ध्यान रखना पेपर वाइट पेपर आप सिग्नेचर करना है विथ ब्लैक इंक पेन, और कोई इंक पेन ऐसा नहीं, इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि आपको ब्लैक पेन से ही आपको अपलोड करना है, ऐसे नहीं नीले पेन से आप कर दें तो आप सेपरेट नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डायमेंशन होनी चाहिए 140x160 पिक्सल की होनी चाहिए, प्रेफर कर रहे हैं, और साइज शुड भी बिटवीन साइज होनी चाहिए 10 से 20 के बी के बीच में ये होनी चाहिए। और रिसोर्स साइज भी स्कैन इमेज भी नॉट मोर देन, मतलब लिखा हुआ है कि 20 के बी से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो साइज होगी आपके 10 से 20 के बी के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद आता है लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब जो कि एप्लीकेशन है जो कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो कि आप अप्लाइड ब्लैक ब्लू इंक से भी कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट थंब जो कि आप ब्लैक इंक पैड से या वाइट नीले बिंग एंड पेड से लगा सकते हैं, जो कि फाइल का फॉर्मेट होगा जेपीजी जेपीजी होना चाहिए, जो कि आपका फोटो और सिग्नेचर का भी फॉर्मेट यही है जेपीजी या जेपीजी आपको रखना है। डायमेंशन 240x10 pixel की होनी चाहिए, प्रेफर कर रहा है 3x3 cm की हाइट होनी चाहिए, हाइट वेट होनी चाहिए और फाइल के साथ 20x50 kb की होनी चाहिए, मतलब आपका साइज 20x50 kb होनी चाहिए। हैंड डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं, हैंड डिक्लेरेशन आर इंग्लिश में क्लियरली और वाइट पेपर पे होना चाहिए और जेपीजी जेईपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। डायमेंशन 80x400 pixel डिप्थ में ये होनी चाहिए, क्वालिटी बताया हुआ है यहाँ पे 10x570 हाइट भी होनी चाहिए और जो कि डिक्लेरेशन होगा 50 से 100 kb के बीच में होगा। उसके बाद देख लेते हैं जो कि आप सभी चीज़ें अपलोड करेंगे तो इसमें ये जो डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, डिक्लेरेशन में आपको जो कि फ्री हैंडली आपको लिखना है, जैसे आप नॉर्मल हैंड में से जो लिखते हैं फ्रेंड वो लिखना है, जैसे डबल कोमा लगाना है, आई डैश लगाना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ऐसे नहीं कैपिटल में लिखें, जो भी आप फ्री हैंड लिखते हैं नॉर्मली वो पूरा नाम आपको लिखना है, फिर से कोमा लगाना है, हैंडली डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड आई विल बी प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज वैन रिक्वायर्ड, ये हमें यहाँ पे लिखना है और डॉट लगा के डबल कोमाज में इसको बंद भी करना है, मतलब ये सभी चीज़ों को ध्यान देना है, यहाँ पर साफ नोटिस में लिखा हुआ है सभी को आपको सीधे तरह अपलोड करना है, स्पेसिफाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और जो भी सारी चीज़ आप रखे अपलोड करेंगे जो कि स्कैन करके ही आपको करना है इसके अंदर, तो ये था पूरा इसमें बताया हुआ किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं, इसमें प्रॉपर्टी हम देखने को हमें मिलता है कि इसकी जो कि प्रॉपर्टी है 38 से 40 kb के बीच में इसकी प्रॉपर्टी, जो कि फोटो जिसका हमका रिसाइजिंग करनी है और हमें फॉर्म में कहा हुआ है कि हमकी फ़ोटो जो कि रिसाइजिंग करनी है हमें होना चाहिए 20 से 50 kb में, तो ये 20 से 50 kb का बीच में हो। अगर आपका नहीं हो तो आपको किस प्रकार करना है मैं आपको बताता हूँ।
तो जैसे कि हम दोबारा देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी तो इसकी प्रॉपर्टी 58-60 KB और हमें चाहिए फॉर्म के अंदर 20 से 50 KB के बीच में हमें चाहिए। तो कैसे रिसाइजिंग करना है, फोटो का फॉर्मेट JPG है तो ये अपलोड हो जाएगा। तो इसको हम रिसाइजिंग करने के लिए इसे ओपन विथ करेंगे, किस में करेंगे, पेंट में ओपन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे रिसाइजिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, रिसाइजिंग में यहाँ में पिक्सल वाला ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे हमारी जो कि साइज थी वो 58 से 60 KB के बीच में थी और हमें चाहिए 20, तो इसका मतलब ये ज़्यादा बड़ा है तो इसे हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए यहाँ जैसे 500 है तो मैंने यहाँ पे 400 कर देता हूँ। करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी फिर से चेक करता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आए नहीं, तो मैं इसे देख पा रहा हूँ कि 43 से 44 KB में ये हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसकी अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप इस तरीके से पिक्सल में आप घटा के तो इसकी रिसाइजिंग कर सकते हैं। तो आपके KB सेट हो गया है और KB सेट होने के बाद आपका जो कि आपको डायमेंशन हाइट दी वो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगी। तो आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपने KB में बताया कि डायमेंशन नहीं सेट हो रहा, ये सेट हो जाएगा। बात कर लेते हैं आप सिग्नेचर की, सिग्नेचर की पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो सिग्नेचर जिसके हम कर सकते हैं ये JPG फॉर्मेट में है और ये जो 37 से 40 KB के बीच में है और हमें चाहिए सिग्नेचर जो कि 10 से 20 KB में। तो इसे हम क्या करेंगे, ओपन में फिर से हम इसे पेंट में करेंगे क्योंकि इसकी जो कि 37 से 40 KB के बीच में था और हमें 10 से 20 KB था। तो ये साइजिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आप पिक्सल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम थोड़ा मतलब 500 हम इसको कर देते हैं और करने के बाद ओके करते हैं और सेव करते हैं। मतलब मैंने अनुमान लगाया है कि इतना कम करने पे मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इसके फिर से प्रॉपर्टी देखता हूँ तो इसकी मेरे को प्रॉपर्टी देखने को मिलती है तो ये 19 से 20 KB के बीच में है। तो फिर ये अपलोड नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट है या नहीं है ये इसको डिसाइड नहीं करते। तो मैं इसमें थोड़ा और कम कर देता हूँ, इसको ओपन भी करता हूँ, पेंट में ओपन करना हूँ। ध्यान में रखना है फोटो आपको ब्लैक इंक से करना है और वाइट बैकग्राउंड पे करना है, मतलब पेज पे आपको करना है। रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे जाना है, जैसे मान लीजिए 500 करा तो यहाँ मैं अब 450 कर देता हूँ। करने के बाद इसे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसकी फिर से प्रॉपर्टी चेक करता हूँ तो ये 16 से 20 KB के बीच में है। तो फिर भी मेरे को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ और पेंट में ओपन करता हूँ तो इसकी मतलब रिसाइजिंग और थोड़ी कम कर देता हूँ। तो इसलिए मैं इसलिए आपको कम करके बता रहा हूँ क्योंकि आपका क्योंकि साइज में सही हो जाए, क्योंकि अगर 20 KB के होने पर भी ये अपलोड नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी मैं फिर से प्रॉपर्टी देखता हूँ तो ये 14-16 KB के बीच में हो गया है। तो ये हमारा जो कि है सिग्नेचर जो कि है हमारा जो कि अपलोड हो जाएगा। अब बात करें लेफ्ट थंब इंप्रेशन की, लेफ्ट थंब जो कि आप लगाएंगे 20 से 50 KB के बीच में। तो ये मान लीजिए लेफ्ट थंब है अपना जिसको हमको रिसाइजिंग करना है, इसकी हमें प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है 70 से 72 KB के बीच में और हमें चाहिए 20 से 50। तो कैसे लाएंगे, तो इसे वही हम इसे पेंट में ओपन इसे ओपन करेंगे। मान लीजिए आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर क्रॉप करना चाहते हैं, मतलब हट्टा काटना चाहते हैं, तो मतलब आपने स्कैन किया तो इसको आप जैसे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना। जितना जैसे मान लीजिए जितना मैं क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्रॉप कर लेता हूँ। तो ये क्रॉप भी आप इसमें कर सकते हैं क्योंकि आप फोटो साइन आपसे क्रॉप भी करना चाहते, क्रॉप करना भी मैंने आपको बता दिया। अब रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पिक्सल पे क्लिक करते हैं। जैसे 558 है और हमें 10 से हमें चाहिए 20 से 50 KB के बीच में, तो जैसे 500 है तो मैं इसको 400 कर देता हूँ, 400 करके ट्राई करता हूँ कि आप साइज बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद इसकी मैं फिर से प्रॉपर्टी देखता हूँ क्या इस थंब में जो कि है अब इस प्रॉपर्टी में चेंज आए। तो ये आ गया 44 से 48 KB, इससे हमारा काम हो जाएगा क्योंकि 20 KB से 50 KB के बीच में है। तो ये थंब हमारा काम कर जाएगा और अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन की, डिक्लेरेशन के लिए आपको किस प्रकार करना है जो कि मैं नोटिफिकेशन पहले दिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं, ये 112 से लेकर 116 KB के बीच में है और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 50 से 100 KB के बीच में। तो इसकी हमें प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी 12-16 है। तो अब इसमें ओपन करते हैं, किसमें हम पेंट में से ओपन करते हैं। पेंट में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसके जो कि आपको डिक्लेरेशन में क्या लिख रहा है साफ आप देख लीजिए। जैसे ++ लगाया डॉट, इस तरीके से फ्री हैंड में आपको लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, जैसे आपका यहाँ नाम जिसमें नाम लिख रखा है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ये आपको इसमें देख लेना है। और जैसे मैंने पहले नोटिफिकेशन बता दिया उस नोटिफिकेशन को देख के भी आपको इसमें भर लेना है। उसके बाद इसमें रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, यहाँ पिक्सल पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर देखिए यहाँ पर तो मैं इसको 1500 कर देता हूँ, मैं थोड़ा इसमें कम कर रहा हूँ, ओके करके फिर इसमें से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी फिर से चेक करता हूँ क्या इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आया नहीं। तो हाँ, इसकी प्रॉपर्टी मैं देख पा रहा हूँ ये 93 से 96 KB के बीच में है और जो कि JPEG फॉर्मेट में है, जो कि हमारे साइट पहले JPG फॉर्मेट में थी। तो ये फॉर्मेट भी अपलोड होगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी में अगर आपको कम और करना है, ज़्यादा करना है, बढ़ाना, तो आप उसमें रिसाइजिंग में जाके जैसे मैंने यहाँ पे घटाना आपको बताया, तो इस बार मैं इसको 1400 करता हूँ। तो आप इसमें घटाना और बढ़ाना, मतलब इसमें घटाना है तो आपको इसमें पिक्सल घटा दीजिए, 1400 कर दिया मैंने, अगर बढ़ाना चाहते थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो मतलब बड़ा घटा के आप इसमें सभी की रिसाइजिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको जो कि फोटो साइन और आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन और आपका डिक्लेरेशन किस प्रकार से आपको रिसाइजिंग करना है और किस तरीके से आपको फॉर्म में अपलोड करना है, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया। फिर भी आपको अगर समस्या आ रही है कि इसमें फोटो रिसाइजिंग नहीं हो रही है आपसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आप रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी जल्दी हल कर सकूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।